नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्पीड वी एंड एक्सलेशन ए ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन और चार स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं हमें बताना इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है पहला है वी इज मैक्सिमम एंड ए इज मिनिमम नहीं पहला स्टेटमेंट है वेन वी इज मैक्सिमम ए इज मैक्सिमम दूसरा स्टेटमेंट है वैल्यू ऑफ ए इज जीरो वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ़ वी तीसरा ऑप्शन है वैन वी इज ज़ीरो ए इज़ ज़ीरो चौथा है वैन वी इज़ मैक्सिमम ए इज़ ज़ीरोट अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है एस का इसका राइट right आंसर होना चाहिए डी एक बार चेक कर लेते हैं कैसे uh, इसको हम ए uh, और वी की अगर हम इक्वेशन लिखें तो हम इसको लिखते हैं अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी उसी के लिए हम वेलोसिटी की वैल्यू लिखते हैं uh, v इज इक्वल टू एमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हो गया अपना पाई बाय टू ए हम लिखते हैं माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी हालाई और इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया पाई बाय टू ना दो वेव्स के बीच में अगर पाई बाय टू का डिफरेंस है फेज डिफरेंस तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक की वैल्यू मैक्सिमम है दूसरे की मिनिमम होएगी दूसरे की जब मिनिमम है तो पहले वाले की मैक्सिमम वैल्यू होएगी अगर इसको अगर हम प्लॉट करेंगे वी और ए को तो आपका जो वी आता है क्योंकि कॉस ग्राफ है तो कॉस स्टूडल ऐसे ड्रॉ होएगा और अगर इसको हम ये ड्रॉ कर रहे हैं वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और जब हम इसको ए को ड्रॉ करते हैं तो ए आपका है माइनस साइन का ग्राफ है और माइनस से चालू हो रहा है ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा तो जब ये वैल्यू आपकी ये मैक्सिमम है ये वाली वैल्यू जीरो होगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा एक्सोलेशन जीरो होएगा जब इसका ये एक्सोलेशन जीरो है तो ये आपका मिनिमम वैल्यू होएगी एंड सोन एंड सो फोर दोनों के बीच में पाई बाय टू का फेज डिफरेंस होएगा सो बेस्ड ऑन ऑल दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर एक चीज़ और अगर इसको ऐसे देखेंगे कि ये मान लीजिए आपका पार्टिकल है मेन uh, पोजिशन उसकी यहाँ पे पहले वैसे गया फिर ऐसे फिर ऐसे ये आपकी मेन पोजिशन है इसके बाद टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है जब हम यहाँ पे मेन पोजिशन पे कहते हैं तो v की वैल्यू मैक्सिमम है और यहाँ पे आपका एक्सेलेशन जीरो है इस जगह पे हम कहते हैं यहाँ पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है सॉरी वेलोसिटी जीरो है और एक्सलेशन आपका मैक्सिमम है सो so, इससे भी हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं और इस वाले ग्राफ से भी सो so, इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी वेन वी इज़ मैक्सिमम मैक्सीम इज़ ज़ीरो